तब तक आप लोग ऐश कीजिए और हम लोग अयाशी करेंगे, अबे अभिषेक करेंगे। Another day, another vlog, and today's vlog is a motor vlog. बात कुछ ऐसी है, टुडे आई एम बेसिकली गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फेस टू द चैनल। नया आदमी, नया चैनल, नया ब्लॉग, नया सब कुछ मिलाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद। थैंक्स टू एवरीवन इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मेरे लास्ट ब्लॉग जहाँ पे मैं वापस आ रहा था दिल्ली से कोलकाता। बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वैसे ये ख़त्म नहीं तो शुरुआत है, लेकिन आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग सब लोग एक साथ मिलके ताली बजाएंगे और जादू होगा स्क्रीन पे, ठीक है? जस्ट रिमेम्बर 1, 2 and 3 ऐसे करके बजाना है, वो मैं बता रहा था, ठीक है? तो रेडी रेडी ना, 1, 2 and 3 सॉरी मैं भी थोड़ा सा फेल हो गया। एंड इफ़ यू गाइस वंडर कि ये कैसा मैंने मास्क पहना हुआ है, तो ये मेरी मम्मी का बनाया हुआ मास्क है, तो माँ का प्यार है इसमें, तो कोरोना नहीं होगा बिल्कुल, एकदम से मर जाएगा। मेरा जादू फेल हो गया यार, और ये बंदा लग रहा है पूरा जादू फेल करवा के मानेगा आज। शॉर्ट लेक से बढ़िया शहर, मैं सॉरी शॉर्ट लेक शहर नहीं है, वैसे तो कोलकाता के अंदर का एक छोटा सा एरिया है सिर्फ, लेकिन शॉर्ट लेक से अच्छा शहर, फिर वही बोल रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट लेक से अच्छा जगह सिर्फ आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। मतलब चंडीगढ़ तो खैर पूरा शहर ही अच्छा है, शॉर्ट लेक लवली मैन। ना पेड़ ज़्यादा है ना पेड़ कम है, बिल्कुल सही अमाउंट का पेड़ है, जितना पेड़ होना चाहिए उतना ही है पूरे शॉर्ट लेक एरिया में, तो जिसकी वजह से बहुत ही मस्त वेदर रहता है स्पेशली शॉर्ट लेक के अंदर। वहाँ नहीं करना था, अब करना है, ठीक है? एक साथ 1, 2 and 3 देखो मैजिक। सो दिस इज बी ओरियो, बाकी का यार रास्ते में बताते आओ। आई होप आप लोगों को सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। सो बी ओरियो जस्ट यूट्यूब इंक्लूड AKA और वो बैनर्जी, तो सर नेम सेम है। माय बॉय Takaishi इन द हाउस। सो वन डे, एक दिन की बात है। जनरली यार आप लोगों में से बहुत लोगों को मेरी मेरी तरफ से लिंक पहुंचा होगा कि डूड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। जैसे एक बंदे को मैंने भेज दिया, जनरली क्या होता है कि लोग या तो थम्स अप भेजते हैं या तो ओके लिख देते हैं। कुछ खास कुछ अच्छे लोग होते हैं जो कि थोड़ा बहुत रिप्लाई कर देते हैं, यार नाइस वीडियो एंड ऑल, लेकिन सामने से लिंक आपके पास तभी आ सकता है जब सामने वाला गरीब हो। करेक्शन, गरीब यूट्यूबर। तो भाई का मैंने कंटेंट देखा, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया कर रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा, टू बी ऑनेस्ट जेलेसी हुई, जलन हुई, क्योंकि मुझे मेरे वीडियो के औकात पता है। बट आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ, थैंक यू वेरी मच। तो उसके बाद फिर ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो गूगल पे वाला सीन है, लेकिन ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्या मैंने काम देखा है गूगल पे वाला। कल ही मैं मेरा मीट हुआ इसके साथ, उसके पहले हम लोग बस फेसबुक में बात करते थे, वो भी बस चैट में, ऐसे कभी कल कॉल पे भी नहीं। हाँ कॉल पे भी नहीं। आई बिलीव कनेक्शन होता है ना, लाइक इंस्टेंटली हो जाता है, ठीक है? वो हो गया हम दोनों का, क्योंकि वो है थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी कीड़ा, ठीक है? वो है। इसका मैंने एक वीडियो देखा था, माइग्रेंट वर्सेस कोरोना, एग्जैक्टली। तो वीडियो शुरू हुआ नॉर्मल, मैंने देखा बाकियों की तरह ही लग रहा था मेरे को, मतलब एक फुटेज है जो दिखा रहे हैं कि अवेयरनेस की गुड, तो मेरे को थोड़ा लगा कि स्किप कर लूँ थोड़ा। जैसे मैं स्किप करने गया, मेरे को इसका मतलब वो दिखा के वो बात कर रहा है, और उसने बोला कि बोर कर दिया आप लोगों को। स्किप कर दिया होगा आपने अभी तक वीडियो 2-3 बार। तो मतलब वो चीज़ देखने के बाद मेरे को लगा कि अरे ये बंदा तो वही बोल रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। भाई के चैनल को ऑलरेडी अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग तो व्यूअर्स हो ही, बस सब्सक्राइब जरूर कर देना बस। हाँ सपोर्ट करो भाई, मेरे को पता है बहुत लोग है, निहायती समझ लो। Now we won't talk about them in our channel. We won't. नहीं बात करेंगे हम उनके। तो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, बस देख के, ठीक है? तो उन लोग नहीं, नहीं मेरे मेरे ऑडियंस अच्छे हैं। अच्छा आई बिलीव अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। तो भाई का चैनल है काफ़ी टाइम से, इससे पहले भाई फिटनेस में थे, काफ़ी कम समय से भाई ब्लॉगिंग में। कितने समय से भाई?
6 months. और फिटनेस के बारे में कोई भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आईडी इज मेंशनड हियर. फिलहाल आज का काफी अनसर्टेन व्लॉग है, वैसे तो पूरा 2020 काफी अनसर्टेन है, कब क्या हो रहा है कब क्या नहीं हो रहा है किसी को भी नहीं पता. सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ फिटनेस व्लॉग. अब मुझे फिटनेस के बारे में कितना ज्ञान है वो तो सबको पता ही होगा, आज तक जो मुझे पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं उनको ही पता होगा. यार ये तो सब कुछ हो गया, मोटर व्लॉग हो गया, मैजिक व्लॉग हो गया, फिटनेस व्लॉग हो गया, और भी बहुत कुछ रिवील होना बाकी है, देखते रहिए. सो दिस इज अ फिटनेस राउंड वन. ठीक है, मुझे इतना ज्यादा कुछ आता है नहीं. भाई आ गए, मैंने ध्यान नहीं दिया. बाकी का भाई बोलेंगे. अच्छा तो जिनको पता है. अच्छा तो बेसिकली वी डिसाइडेड के लेट्स प्लान समथिंग रिलेटेड टू फिटनेस. ठीक है, ईजी थिंग, बट इसमें कैच है. ठीक है, इसमें कैच है इनके लिए जो कि फिटनेस फ्री को जिसने पिछले 25 साल से फिटनेस का कोई काम ना किया उसके लिए बिल्कुल ईजी नहीं होता ये. वी कैन डू अ स्क्वाट चैलेंज. ठीक है, स्क्वाट चैलेंज में बेसिकली हम लोग देखेंगे बेसिकली कितना स्क्वाट्स कर सकते हैं दोनों, और देखते हैं वो जितना करता है. आई विल ट्राई डूइंग डबल. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये मास्क पहन के जो हम कर रहे हैं प्लीज डोंट ट्राई दिस, बिल्कुल भी ये रिकमेंडेड नहीं है. मास्क के बिना कीजिएगा, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी. सो प्लीज डोंट ट्राई दिस विद योर मास्क. दे बजरंग बली, मरने मत देना आज. मेरा 17 या 18 राउंड था एग्जैक्टली, मैं भूल गया अभी, ऐसा ही कुछ था. भाई 41, टाइम फॉर पनिशमेंट गाइस. ये कहां पे था वीडियो में? He said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told, don't blink, don't run. तो इतने अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स देखने के बाद एक लाइक तो बनता है. लाइक कर देना यार, यहाँ तक देख चुके हो, यहाँ तक आ गए हो. और बेसिकली फिटनेस पे जितना भी ज्ञान मिला है फॉलो करना वो जरूरी है. चैनल का नाम है बी ओरियो. अरे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे पढ़ लो. एवरीथिंग इज मेंशनड. मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत होशियार है. क्यों है ना, नाक मत कटाना, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है. पनिशमेंट, और ये पनिशमेंट. बाहर कुछ खाना पीना, मास्क हटाना, ये सब आप जितना अवॉइड करें उतना ज्यादा अच्छा है. खुद कर रहा हूँ और खुद ही ज्ञान दे रहा हूँ, बट हाँ टू बी वेरी ट्रू ये जरूरी है. एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अरे हाँ, सैनिटाइज. दिस इज नॉट. और टू माई एवरी बंगाली फोक्स, अगर आपको यही सेम चीज, मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, यदि तुम्हारा ये सेम जिनिस्टा बांग्लादेश देखते चाहो तले यू नो वेर यू हैव टू गो. चैनल नेम इज मेंशन हियर, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाइए देखिए एंजॉय कीजिए. एंड डू कमेंट डाउन हियर ऑल्सो, वहाँ पे देख के आइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, यहाँ पे आके कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा. और आगे भी आपको इस तरीके के अच्छे कोलैब्स देखने हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही जल्दी में था. कल पहली बार मिले, कल डिसाइड किया, आज निकल गए. एज यू ऑल नो कि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाकी टाइटल देख के भी आप लोग समझ गए होंगे. तो अगला प्लान्ड होगा और अच्छा होगा, बढ़िया जगह जाएंगे, बढ़िया से घूमेंगे, आपके लिए सरप्राइज होगा. देखना चाहते हो तो हाँ लिख दो, नहीं भी देखना चाहते हो तो भी यार मैं बनाऊँगा ही. तो इसीलिए हाँ लिखोगे तो अच्छा लगेगा ना, कि तुम भी चाहते हो मैं भी चाहता हूँ. और मतलब लिख दो, मतलब
एक और चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वेदर ऑफ कोलकाता इट्स अमेजिंग. 5:30 बज रहा है, नहीं सॉरी 6 बज रहा है, वेदर बहुत कमाल का है. तो बस जिसको जहाँ से उठाया था उसको मैं छोड़ दिया है. एंड बस आज का वीडियो यहीं तक था. अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ये दो चीज़ ज़रूर कर दीजिएगा. तब तक आप लोग ऐश कीजिए और हम लोग अय्याशी करेंगे. अबे अभिषेक करेंगे. स्टे होम स्टे सेफ, बिना मतलब घर से बाहर मत निकलिएगा. थैंक यू, लव यू ऑल. दो व्लॉगर मिलते हैं ना तो यही यही रहता है सीन. देख रहे हैं, दिस इज द सीन.